Discover what full-service broking can do for you with Sharekhan's weekly market guide. हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब स्वस्थ हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेरखान वीकली मार्केट गाइड पॉडकास्ट। यह गाइड एक इंफॉर्मेशनल पीस है, न कि रेकमेंडेशन। तो मार्केट में पिछले सप्ताह क्या हुआ, आइए देखते हैं। इंडियन मार्केट्स में पिछले सप्ताह 3% की बढ़त देखने मिली। मार्केट का यह बेस्ट वीकली परफॉर्मेंस रहा। हालांकि शुक्रवार को निफ्टी 56 पॉइंट्स गिरकर 16,238 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 215 पॉइंट गिरकर 54,277 पर बंद हुआ। अब तक निफ्टी 50 कंपनीज का बेहतर क्वार्टरली रिजल्ट प्रदर्शन रहा है और FII की बाइंग भी देखी गई है। ग्लोबल मार्केट से मिले संकेत भी सपोर्टिव थे। पिछले हफ्ता RBI पॉलिसी में रेट्स अनचेंज रखा गया और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पॉलिसी का नजरिया अभी भी एकोमोडेटिव रहेगा। इसी बीच भारत सरकार ने टैक्सेशन को लेके एक अहम फैसला लिया। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस हफ्ते बैंक निफ्टी में 4% की बढ़त देखने मिली और निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से भी कम बढ़त देखने मिली। निफ्टी IT सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखते हैं इस हफ्ते क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा। मैक्रो डेटा जैसे IIP और रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स, क्वार्टरली रिजल्ट और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, ये की ट्रिगर्स रहेंगे। इस हफ्ते कई सारे कंपनीज अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करेगी, जिनमें विशेष रूप से फोकस रहेगा। इसी बीच 3 और नए IPO का सब्सक्रिप्शन भी इस हफ्ते खुलेगा। आइए अब नजर डालते हैं की इकोनॉमिक इवेंट्स पर। कई सारे कंपनीज इस हफ्ते रिजल्ट अनाउंस करेंगी। आइए एक नजर इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस पर भी डालते हैं। आइए जानते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड रहेगा। साथ ही एक नजर डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स पर भी डालते हैं। स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन देखा गया है, स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट बिल्डअप पोजीशन देखा गया We'll be right back.
तो ये था इस सप्ताह का गाइड। हमें कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह शेर खान पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज रीड द रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेबी एंड रेलेवेंट एक्सचेंजेस ऑन sherkhan.com बिफोर इन्वेस्टिंग। Join us next week for yet another weekly market guide. Until then, subscribe to our channel and never miss another update from Sher Khan. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.